वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजल फ्यूल और पेट्रोल फ्यूल के बारे में। तो डीजल फ्यूल और पेट्रोल फ्यूल दोनों ही पेट्रोलियम से बनते हैं। आज की वीडियो का सबसे मेन मुद्दा है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिस पर डीजल या पेट्रोल जो है वो अपने आप ही बर्न होने लग जाए। वो रखा हुआ है टेम्परेचर, इतना रेस होता जा रहा है धीरे 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 कि वो उस लेवल पे पहुंचे कि वो अपने आप ही जल रहा है। डीजल का ये टेम्परेचर है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो है 256 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है जिसपे वो अपने आप जल जाए, क्योंकि डीजल का तो 256 है जिसपे वो अपने आप जल जाएगा, और ये पेट्रोल, तो पेट्रोल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 280 डिग्री सेल्सियस। हालांकि रियल लाइफ में अगर हम देखें तो पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी बर्न होता है। अगर हम आग लगाएं तो पेट्रोल, आग लगा के माचिस की तिल्ली को पेट्रोल में डाल दो, पेट्रोल एकदम से बर्न हो जाएगा, और आग लगा के माचिस की तिल्ली को आप डीजल में डाल दो, वो माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी, डीजल आराम से जलता नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? नंबर वन ये कारण है कि एक प्रॉपर्टी होती है फ्यूल की जिसे हम कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी अपने आप ही, जैसे हमने रख दिया, जैसे कपूर को हम रखते हैं, कपूर जो है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो होता है किस कारण से है? क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो 40 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में यदि तापमान है तो बॉन्ड्स जो है वो टूटने लगते हैं। क्योंकि पेट्रोल का जो केमिकल फॉर्मूला यदि आप देखोगे तो उसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 12 कार्बन एटम्स चाहिए आपको बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है, तो ये अपने आप टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो वो अपने आप उड़ने लगता है हवा में गैस के रूप में। तो 40 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बॉन्ड्स टूटते हैं, और बॉन्ड्स टूटने के कारण वो वेपराइज हो जाता है पेट्रोल हमारा। तो जैसे जैसे अगर ये बॉन्ड टूटेगा जल्दी तो उसमें फिर फायर भी जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि फायर पकड़ने का मतलब ये है कि बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी कि वो वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल है तो वो बॉन्ड्स अपने आप टूट रहे हैं, तो आग उसमें इसलिए जल्दी लग जाती है। दूसरी तरफ डीजल है, डीजल में एटलीस्ट 12 कार्बन एटम्स चाहिए आप एटम्स होते हैं जो बॉन्ड्स बना के रखते हैं, और मैक्सिमम काफ़ी उसमें मात्रा आ जाती है कार्बन एटम्स की। तो इस वजह से डीजल जो है वो डेंस है, भारी है, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा बॉन्डेज है सभी एटम्स के बीच में, तो वो नहीं टूटेंगे इतनी जल्दी। तो वो नहीं टूटते, इस वजह से उनमें आग नहीं लगती। तो नंबर वन तो ये हो गया कि वो पेट्रोल हमारा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, उसके बॉन्ड टूटते हैं, उसमें आग इस वजह से लग जाती है जल्दी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर हम देखें डीजल और पेट्रोल के बीच में, तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि लोग कहते हैं यार डीजल को हम यूज़ करते हैं तो डीजल जो है, डीजल की गाड़ियां जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उसमें रहता है। तो पॉल्यूशन इस वजह से ज़्यादा रहता है क्योंकि जब डीजल का स्प्रे जो टाइमिंग है वो है जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है और पावर स्ट्रोक चालू हो रहा होता है, तो उस समय डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। अब मान लो 100 एटम जो हैं वो इंजेक्ट किए गए, एक एग्जांपल के लिए 100 एटम इंजेक्ट हुए, उस समय पे 100 के 100 एटम जल जाएं ये पॉसिबल नहीं है। उसमें से 30 नहीं तो 20 ऐसे कुछ ना कुछ एटम जो हैं जो अच्छे से बर्न नहीं हुए वो रह जाएंगे। और यही कारण है कि साइड में क्या कहते हैं, साइड में कह लो सिलेंडर के, या कह लो कि क्यों कहीं ना कहीं अब वो कार्बन जमा होगा, वो ऑयल में आ जाता है कार्बन। तो आप देखोगे डीजल इंजन का जो मोबिल ऑयल है वो हमेशा काला ही मिलेगा आपको, पेट्रोल में लाल मिल जाएगा आपको लेकिन डीजल में हमेशा काला ही मिलेगा, क्योंकि डीजल में कार्बन बहुत ज़्यादा बनता है। और उसका कारण यही है कि सारा का सारा डीजल नहीं जल पाता प्रॉपरली, और ये एक कारण है कि हम डीजल टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले जो है मैकेनिकल पंप्स आते थे, आजकल CRDI आता है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे इंजेक्ट करता है कि कोशिश करता है सब जल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रह जाता है, जिसकी वजह से
बहुत ज्यादा सूट पार्टिकल जैसे कहते हैं कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से डीजल इंजन में आपको काला धुआं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आज की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है, डीजल और पेट्रोल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि डीजल गाड़ी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूज होने वाली गाड़ियां जो है वो पेट्रोल की हैं सबसे ज्यादा। 2006 के टाइम में यूएस का एक डेटा है, अगर आप चाहो तो उसे नेट पे भी देख सकते हो, तो उसमें 2006 में 50 बिलियन गैलन यूज हुआ है डीजल का और 148 बिलियन गैलन यूज हुआ है पेट्रोल का। तो जाहिर सी बात है ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो पेट्रोल कार से निकल के आया। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि पेट्रोल कार जो है जब पेट्रोल जलता है उसमें तो सूट पार्टिकल कम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है। एक क्विंटल एक यानी आप 100 लीटर अगर आप डीजल जलाओ और 100 लीटर आप पेट्रोल जलाओ तो 13% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है हमारा डीजल इंजन। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो 1 लीटर अगर आपने डीजल जलाया और 1 लीटर अगर आपने पेट्रोल जलाया तो 20% ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी डीजल से। तो ये भी एक अंतर है कि डीजल जो है वो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, 20% लगभग लगभग ज्यादा आपको उसमें मिलेगी पावर। क्योंकि डीजल जो है वो हाई टेम्परेचर पे जाके बर्न होता है, जैसे 550 से 600 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए ही चाहिए पिस्टन के ऊपर फॉर्म होता हुआ कंबशन से पहले, यानी कंप्रेशन के टाइम में जब कंप्रेस करता है तो 550 600 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान मिनिमम होता है जिस पे डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। तो इतने ज्यादा तापमान पे जब कुछ इंजेक्ट होगा और वो जलेगा तो पावर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अंदर तो ये इस तरीके से जो है पावर में डिफरेंस आ जाता है और पावर का जो डिफरेंस है वो लगभग 20% का होता है। तो एक आखिरी बात और जो मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कार बहुत ही साइलेंट होती है, डीजल की कार उतनी साइलेंट नहीं होती है। उसका रीजन यही है कि पेट्रोल कार के अंदर जो फ्यूल आता है यानी जो पेट्रोल आ रहा है वो कंबशन के टाइम में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है इनटेक के टाइम में। तो इनटेक के टाइम में आने से क्या होता है, पेट्रोल एयर आपस में बहुत ज्यादा अच्छे से घुल मिल जाती है। घुल मिल जाती है तो घुलने मिलने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा मिक्सचर फॉर्म हो जाता है और मैक्सिमम पेट्रोल जो है वो बर्न होता है। तो इस वजह से जो है अच्छा इस वजह से एक तो उसमें कार्बन प्रोड्यूस कम होता है, दूसरा ये इतना अच्छा जब मिक्सचर बन जाता है तो जलने के टाइम में बहुत ही स्मूथ बर्निंग होती है, बहुत ही बढ़िया बर्निंग होती है, तो उतना जो है आवाज उसमें नहीं आता। दूसरा उसमें पार्ट्स भी कम होते हैं, खैर पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में पार्ट ज्यादा होते हैं, बहुत ही हैवी पार्ट्स होते हैं आपस में, गियर्स जो है बहुत ज्यादा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में होते हैं जो मिलके चलते हैं और बहुत हाई प्रेशर बनाना होता है, तो इस वजह से उसमें नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा है तो उसकी आवाज भी थोड़ी इस वजह से भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको काफी कुछ समझ में आएगा इस वीडियो से कि पेट्रोल और डीजल में बेसिक जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है। तो यदि आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं।